मैं ही हीरोइन हूँ, मैं ही फिल्म के सामने में डांस कर रही हूँ, और आपने कभी मेरा डांस देखा होगा कि मैं बहुत दिल से डांस करती हूँ अदाए के साथ में, कि मतलब सामने वाला पूरा जेब खाली कर दे ऐसा मैं डांस करती हूँ। ये तो लड़की नहीं है, तो छक्का है, ये हिजड़ा है, इसको कौन देखेगा, लेकिन खुदा ने चमत्कार करके दिखाया है कि इंस्टाग्राम पे 2.4 मिलियन और यूट्यूब में 3.5 मिलियन, मौज पे 6.7 मिलियन। जो मेरा बचपन गुजरा है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी वापस ना आए। भारत नगर जाने वाला बस स्टॉप, मैं वहाँ पर भीख मांग रही थी, और इतनी तेज़ बारिश के अचानक से ना एकदम ठंडी भर के मुझे बुखार आ गया। ऐसे पूरा कपड़ा भीगा हुआ और मैं कोने में बैठ के ना ऐसे कांप रही थी बहुत जोर से। लोग जा रहे आ रहे, किसी को कोई पड़ी नहीं थी कि मतलब इंसान सब मर रहा है, सब कुछ हो रहा है। उतने में तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आज मैं हार गई, ये इसके आगे कुछ नहीं है। मैं बोली यही लाइफ है, यही बस स्टॉप है, यही भीख मांगना है, इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं है। तो एक रिक्शा पास में यहाँ से मेरी गुरु थी वो, जिसका नाम था सलमा। मैं बोली मैं कल आ सकती हूँ वापस तुम्हें से मिलने? बोले नहीं, तेरे माँ बाप मेरे घर पे आएंगे, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, तू मेरा फ़ायदा मत उठा। 8 दिन के बाद उन्होंने गेट खोला और मुझे अंदर लिया वापस। तब से वो ही मेरे गुरु है, आज भी वही है। फिर डांस शादियों के इसमें डांस करने लगी, फिर मैं कोई इवेंट्स पे डांस करने लगी, ये वो जगह से फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब शादियों के प्रोग्राम के अंदर मैं मशहूर हो गई। एक एक्ट्रेस को कैसा लोग बिहेव करते जेलते हैं कि मैम ये ले लो, आप लेट आई तो भी चलेगा लेकिन आप आना ज़रूर ना, यही एक मैजिक ऊपर वाले ने मेरे साथ क्रिएट किया है जो लोगों को मुझसे जोड़ दिया है। इतनी फैमिली नहीं है, ये पूरी फैमिली, पूरी दुनिया मेरी फैमिली कि कुछ नहीं, चलो फिल्म की ही ना सही पर मैं लोगों की नज़र में तो हीरोइन बन चुकी हूँ ना। अगर तुम्हारे घर में भी एक ट्रांस पैदा होता है तो उसको कभी अपने दिल से अलग मत करना। और वैसे भी हर किसी के घर में नहीं पैदा होते हम, बहुत लकी इंसान होता है जिसके घर में हम पैदा होते हैं।